बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हॉवर्ड एकेडमी। और आज हम अपना एक नया मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक मैथ, जिसका काफ़ी इशू रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक नया टॉपिक है और आज हम उसी को कवर करेंगे। और टॉपिक का नाम है बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक। और आज हम इसके बारे में जनरल ओवरव्यू कवर करेंगे, जनरल बातें करेंगे इसके मुतालिक कि ये है क्या और इसका पर्पज़ क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अरिथमेटिक मीन also called a mean. Mean normally आप average ये समझ सकते हैं, is the most commonly used measure of central tendency. तो जो भी central point हमने मालूम करना हो उसमें basic arithmetic में arithmetic mean जो है ये important है central tendency calculate करने के लिए। तो इसको calculate कैसे किया जाता है? It is calculated by summing up all the observation in the set of data. जो आपके पास data होता है, लेट सपोज आपके पास वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, तो आप सबको सम कर देंगे जैसे एवरेज करते हैं। लेकिन ये सिंपल होता है जब हम एवरेज के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ और एडिशन होती जाती हैं चीज़ें, तो ये कन्फ्यूजन की तरफ जाता है और जिसमें गलती के चांसेस होते हैं उनको अगर प्रॉपरली टैकल किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो उसको बेहतर तरीके से हम टैकल कर सकते हैं जब हमारे पास न्यूमेरिकल कोई होता है। तो ये जो हमारे पास डेटा होता है उसको डिवाइड हम कितने जितना जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने सम अप करना होता है। सम करने के बाद जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस पर हमने डिवाइड करना होता है। लेट सपोज सिंपलेस्ट फॉर्म जो है अरिथमेटिक मीन की, फर्ज़ किया 1 + 2 + 3 + 4, ये हम एग्ज़ाम्पल करते हैं और ये टोटल बन जाते हैं 10। और हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 / 4, तो ये 2.5 तकरीबन आपका आंसर जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये सिंपल अरिथमेटिक होता है और इसको आप एक्स बार से शो करते हैं। मज़ीद अगर हम इस पे बात करें कि इसकी टाइप्स मज़ीद कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो पहली किस्म इसकी होती है सिंपल अरिथमेटिक मीन, और दूसरी इसकी जो टाइप होती है वो होती है वेटेड अरिथमेटिक मीन, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो नेक्स्ट इसका हम क्या कर सकते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं इसके, हमने जो सीखने हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो इसमें तीन मेथड होंगे, एक होगा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे नंबर पे होगा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरे नंबर पे इसकी जो तरीकाकार होगा वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूँ इसको,
तो हम फर्ज किया करें कि 10 मार्क्स लेने वाले क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद 2 है, 50 मार्क्स लेने की जो रेशो है वो तकरीबन जो है ऑन एवरेज हम कहें तो 5 है, और 70 हम कहें तो 3 है, 90 कहें तो 2 हैं, तो सो ऑन। तो ये तो हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं डाटा, यानी कि 0 से लेके 10 तक 2 लोग हैं, अब 11 से लेके 50 तक हमारे पास 5 लोग हैं, और 51 से लेके 70 तक हमारे पास 3 लोग हैं, और 71 से लेके 80 तक हमारे पास 2 लोग हैं, और 81 से लेके 100 तक हमारे पास 1 बंदा है। तो ये जो डिवीज़न होती है, एक आपके पास ग्रुप गिवन होता है, उसमें से आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी दफ़ा रिपीट हुई चीज़, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे आके जो है अरिथमेटिक को आप कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला थोड़े से लेंथी होते हैं, उनकी कैलकुलेशन का कुछ टेक्निकल मेथड्स होते हैं जिनको हमने आगे चल के सीखना है। तो अगर हम इंडिविजुअल मेथड करें, इंडिविजुअल जो मेथड हमने सीखा, इंडिविजुअल सीरीज, उसमें हम चल के 2 मेथड अप्लाई करते हैं। उसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। और दूसरी जो इसकी किस्म है वो है समाल अरिथमेटिक मीन। उसमें 3 मेथड यूज़ होते हैं, ए डायरेक्ट मेथड, दो या बी कह सकते हैं आप इसको, बी वो है शॉर्टकट मेथड, सी जो हमारे पास वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, तो इनको हर एक मेथड को हमने डिटेल से सीखना है। और लास्ट हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके भी 3 तरीकेकार हैं, ए बी सी। ए में आता है डायरेक्ट मेथड DM, दूसरे में आता है शॉर्टकट मेथड SCM, और तीसरा जो इसकी टाइप है वो आती है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इंशाल्लाह इनको हम वन बाय वन इस तरीके से सीखते जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इनकी हमें कैलकुलेशन और साथ में जो एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको दूंगा, होमवर्क दूंगा, आपने उनको साथ में सॉल्व करना है, और जिस पैटर्न पे हम क्वेश्चन करें उनको फॉलो करते जाना है। तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं, हम जो फ़ायदे होते हैं अरिथमेटिक मीन की, ये सिंपल होता है, सर्टन होता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं और जितने हमारे पास पॉपुलेशन होती है, जितने हमारे पास आइटम्स होते हैं उनकी बेस पे हम करते हैं, ये एग्रीगेटिक होता है ट्रीटमेंट। ये हम अलजेब्रिक फार्मूलाज लगा के ओवरऑल एग्रीगेट होता है, और ये मेथड जो यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और ये बेस है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं ए वैल्यू से दूसरी वैल्यू के साथ। तो इसके अलावा जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उसमें एक्यूरेसी के रिज़ल्ट आते हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो हम डिटरमिन सही तरीके से नहीं कर पाते।
मीन वैल्यू मे नॉट फिगर आउट इन द सीरीज़ एट ऑल। जो मीन वैल्यू है वो हमें एक, अगर सिर्फ एक वैल्यू हो तो उससे हम कुछ रिजल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और हमारे पास डेटा ज़्यादा होता जाए, यहाँ पे डायनामिक डेटा हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सम टाइम इसके इसको प्रॉपरली मैयर ना किया जाए तो इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो है न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ये थ्योरेटिकल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको शॉर्ट देने के लिए बेहतर समझा, और आप इन पूरे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.harvardacademy.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ये जो आपका अरिथमेटिक मेन है ये FPSC के जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर नायब है, और एवेल्यूएशन ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट, इस तरह के जितने भी है, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर नायब, ये जहाँ पे भी आपका जनरल सिलेबस होगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा तो उसमें ये लाजमी हिस्सा होता है। तो FPSC के किसी भी टेस्ट के लिए इस पोर्शन का कवर करना लाजमी है।